चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अब आप लोग के सामने मैं पार्ट फाइव वीडियो लेकर आया हूं। किसका? ट्रिगोनोमेट्री का। और एक्सरसाइज कितना है? 8.3 है। तो देखिए, मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग होमवर्क किए होंगे सभी का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर भी बनाए होंगे। तो देखिए, मैं आप लोग के अब आगे लेकर चलता हूँ ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। देखिए, इसमें मेनली रूप से आप लोग के पढ़ना है पूरक कोण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पूरक कोण। पूरक कोण को ही कहा जाता है समपूरक कोण। पूरक कोण को क्या कहा जाता है? समपूरक कोण। अब है क्या पूरक कोण? है क्या? तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग क्या हो? 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। जैसे देखिए, एक यहाँ पर ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि देखिए, एक कोण तो 90 डिग्री होता है कि नहीं। अब बच गया दो कोण। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पता है? तो जैसा कि पिछले भी वीडियो में बताया था, तो 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। अब ए वो 90 डिग्री है, तो बच गया दो कोण, जिस दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 होगा दोनों मिला करके। तो हमको पता नहीं है कि ये कोण कितना है और ये कोण कितना है। तो मान लेते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा क्यों होगा? क्योंकि अभी हम लोग जाने कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90, तो ये दोनों मिल करके कितना होगा? 90 होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। होगा ना? कोण ए प्लस कोण सी, अगर कोण ए को हम थीटा मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? थीटा। तो कोण सी बराबर कितना होगा? तो देखिए, निकालते हैं यहाँ से कोण सी बराबर, यहाँ से देखिए थीटा उधर जाएगा तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ से देखिए तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो यही ना लिखे हैं, कोण ए बराबर थीटा मान है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? सी बराबर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण ए और कोण सी दोनों कैसा कोण है? समपूरक कोण है या पूरक कोण है। समझ रहे बात को? तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है एकदम सीधा सीधी कि समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो जिन दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। या कह सकता है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री उसे क्या कहते हैं? तो पूरक कोण या समपूरक कोण। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, इसी पर सारा क्वेश्चन भी है और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, तो कुछ सूत्र है जो पहले लिख देते हैं। देखिए, सूत्र में क्या है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र है। करा पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र है। त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे आप लोग, कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। देखिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक है, तो ये 6 का पूरक कोण पर आधारित फॉर्मूला है। तो देखिए कैसे इसको समझाते हैं, समझिएगा। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? टैन थीटा। सेक कॉस सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? सेक थीटा। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होगा, समझाते हैं। कैसे हुआ आप लोग को पूछेगा नहीं, लेकिन देखिए जब तक समझिएगा नहीं तक ये फॉर्मूला नहीं याद होगा। ऐसे लग रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे हो गया अंधारे, लगता होगा कि नहीं? तो देखिए समझाते हैं, समझ जाइएगा उसके बाद याद हो जाएगा आराम से। तो देखिए, यहाँ देखिए साइन है ना, तो साइन लेते हैं, और अगर क्या है 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा लेते हैं। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट वन में हम पढ़ाए थे, पार्ट वन वीडियो देखिए उसमें पढ़ाए थे कि यहाँ पर एंगल है, एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। वहां थीटा सिर्फ था, यहाँ 90 माइनस थीटा लिए। तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बहुत पी बटा एच होता है कि नहीं? भूल गए हैं? भूल गए हम तो पहला वीडियो देख लीजिए। देखिए, पी बटा एच होता है, पी बटा एच। अब देखिए तो थीटा की जगह पर कितना है? 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो थीटा के सामने वाला ये पूरा को मान लेते हैं क्या है? डिग्री है, पूरा डिग्री एक्स डिग्री है।
कितना x डिग्री, x क्या है मेरा एंगल है। तो हम बताए थे कि एंगल के सामने वाला को पी कहते हैं, कहते हैं ना। तो देखिए तो एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने वाला को क्या कहेंगे, पी कहेंगे। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, पी का वैल्यू देखिए तो ए बी यही ना होगा, 90 माइनस थीटा लिए हैं तो 90 माइनस थीटा ये पूरा एंगल है, तो एंगल के सामने वाला को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो पी का वैल्यू हो गया ए बी हुआ। अब देखिए एच हमको निकालना, तो एच कौन होगा बाबू, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को, या कह सकते हैं कि बड़ी भुजा को। तो देखिए तो बड़ी भुजा या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा दोनों यही है, तो इसका नाम देखिए तो क्या है, ए और सी। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी। तो देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया, ए बी बटा ए सी। देखिए तो एल एच एस यही था ना, एल एच एस हमको आ गया ए बी बटा ए सी। अब देखिए आर एच एस, आर एच एस देखिए तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला लगाते हैं बाबू। तो देखिए कॉस थीटा और हम लोग, हम आप लोग को क्या पढ़ाए हैं, बी बटा एच पढ़ाए कि नहीं। तो देखिए बी देखिए तो कौन होगा, तो देखिए थीटा के सामने वाला को पी कहा जाता है। तो देखिए थीटा कहाँ पर है, देखिए थीटा यहाँ इसमें ट्रायंगल में, देखिए थीटा कहाँ, यहाँ है। थीटा के सामने वाला क्या हो गया पी, तो इसके लिए बी कौन हो जाएगा, ये होगा, ये तो एच है। दूसरा बात ही बताए थे कि एक बताए थीटा के सामने वाला को पी कहते हैं, बड़ा भुजा को एच कहते हैं, बड़ा भुजा उसको बी कहते हैं, बताए थे। दूसरा तरीका क्या होता है कि थीटा के सामने वाला पी और थीटा के संलग्न, संलग्न माने क्या होता है, जुड़ा हुआ, थीटा से जुड़ा हुआ छोटी भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं या बी कहते हैं, वही हुआ। तो देखिए तो थीटा के सामने वाला पी और ये हो गया बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी होगा बाबू। देखिए तो होगा ना, थीटा के सामने वाला पी तो ये हो गया बी, तो बी का मान कितना, ए बी, ए बी लिख दी। नीचे कितना एच है, तो एच कौन होगा, एसी होगा, एच का मान हो गया एसी। अब देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर लाए थे ए बी बटा एसी लाए हैं, देखिए तो कॉस थीटा बराबर भी क्या है, ए बी बटा एसी है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस है, देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वही कॉस थीटा बराबर है, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। अब यहां से देखिए आप लोग के ऑब्जेक्टिव एक और क्या पूछ सकता है, यहां पर देखिए ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, यहां थीटा दिया हुआ रहेगा, कह थीटा के पूरक कोण क्या है, तो थीटा का पूरक कोण क्या है, 90 माइनस थीटा है। यहां थीटा नहीं करके क्या, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कह देगा 35 डिग्री, 35 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, 35 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा कोण किसको कहते हैं, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो देखिए दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि एक कोण ए है दूसरा कोण बी है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कह रहा है कि एक कोण 35 डिग्री है, कितना है 35 डिग्री है, तो दूसरा का कोण निकालना है, तो दूसरा का बी लिख देंगे, 90 के 90 लिख देंगे, यहां से बी बराबर निकाली तो 35 इन्हें माइनस में जाएगा, तो 90 माइनस 35 हो जाएगा, होगा। अब देखिए 90 में से 35 घटा दीजिए तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 55 डिग्री। तो देखिए तो कहेगा 35 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, तो 35 डिग्री का पूरा कोण कितना आया, 55 डिग्री। समझ में आ रहा है बात, कोई कैसे निकाले हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पूरा कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता, तो एक 35 है इसका मतलब दूसरा का कितना होगा, तो 35 में जितना जोड़ेंगे उतना 90 आ जाएगा, वही ना होगा। तो देखिए तो 35 में 55 जोड़िए 90 आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं, तो 35 का पूरा कोण हो गया 55 डिग्री। इसी प्रकार आप तो जब भी पूछेगा 45 डिग्री का पूरा कोण, तो नहीं बन जाएगा आप लोग से, बन जाएगा कि नहीं। देखिए आप जैसे बताएं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बताएं ना प्रूफ करके फिगर से, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा बता दें उसके बाद खुद से समझ जाएगा। तो देखिए देखिए छोटू, देखिए लिखा हुआ क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, तो लिखिए कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखिए तो कॉस एंगल क्या लिए हैं, 90 माइनस थीटा, तो देखिए तो 90 माइनस थीटा यहाँ है, और कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी बटा एच
होता है कि नहीं। अब देखिए 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला को पी कहते हैं, और पी और ये एच, तो बच गया कौन, हो गया बी, हो गया। तो बी का वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा मेरा, बी सी हो जाएगा, होगा। अच्छे से समझ रहे हैं, पी बी और एच, पी बी और एच में कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सीधा सीधी है। जो एंगल रहेगा उसी एंगल के सामने वाला को बी कहेंगे, और उस एंगल से जुड़े हुआ छोटा भुजा को क्या कहेंगे, बी कहेंगे, और बड़ा खुद रहेगा जो उसको एच कह देंगे, या 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहेंगे, एच। तो पी बी समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, पी बी एच एकदम आसानी समझ जाइए कि एंगल रहेगा उसी के सामने वाला को पी कहेंगे, एंगल से जुड़ा हुआ जो भुजा रहेगा छोटी भुजा उसको बी कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा रहेगा या बड़ी भुजा उसको क्या कहेंगे, एच कहेंगे। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए एच क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्यादा आप लोग को दिक्कत होता है पी बी में, और पी बी में कोई भी दिक्कत नहीं, पी के थीटा जो रहेगा, जो एंगल यहाँ रहेगा उसी के एंगल के सामने वाला को पी लेंगे, और जो बच जाएगा उसको बी लेंगे। समझ रहे हैं बात को। आप देखिए कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, अब यहाँ साइन थीटा ना जिसमें, तो साइन थीटा लेते हैं। आप देखिए साइन थीटा और फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, पी बटा एच पढ़े हैं। आप देखिए एंगल यहाँ क्या है, थीटा है, तो अब थीटा के सामने वाला देखेंगे, देखिए थीटा यही ना है, थीटा के सामने वाला देखिए पी होगा, पी का वैल्यू देखिए तो क्या है, बी सी है ना। देखिए यहाँ बी है, यहाँ सी, यही ना सामने है थीटा सामने। अब देखिए एच, एच तो एच बड़ा वाला भुजा, बड़ा वाला क्या है, ए सी है। तो देखिए तो यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आया, बी सी बटा ए सी, साइन थीटा बराबर क्या आया, बी सी बटा ए सी, दोनों बराबर है जी। तो देखिए तो हम बराबर नहीं कह देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। समझ रहे हैं, समझ आ रहा है ना। तो देखिए कितना आसान है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा। इसको भी बनाना पड़ेगा, जिस प्रकार हम साइन लिए थे ना पहला बार में, उसके बाद कॉस लिए, उसके बाद टेन नहीं ले सकते हैं आप लोग, तो लीजिएगा टेन 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा तो एंगल के सामने वाला को पी कहेंगे, और टेन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा पी बटा बी, तो पी हो जाएगा ए बी, और बी कौन हो जाएगा, बी सी। समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा लीजिएगा, थीटा के सामने वाला पी, और बच जाएगा बी। समझ रहे हैं बात को। तो लीजिएगा तो सारा यही आएगा। आप लोग कीजिएगा, दो को हम जैसे किए हैं ना, किए कि ना, उसी प्रकार आप लोग इसको भी कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा नहीं इतना बड़ा और इतना प्रूफ करने के लिए। समझ रहे हैं बात को। ये हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा और इतना कैसे होगा इसीलिए हम दिए हैं। समझ रहे हैं बात को, ताकि याद रहेगा, भूल जाइएगा तो थोड़ा निकाल सकिएगा। तो आप देखिए याद करना क्या है, मेन फॉर्मूला 6x6 फॉर्मूला याद कीजिए, 8.3 लगभग बन जाएगा। थोड़ा सा टाइप्स है, टाइप्स बाय टाइप हम क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को, टाइप पर ध्यान दीजिएगा और फॉर्मूला पर। तो देखिए याद क्या रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन का उल्टा है कॉस, कॉस का उल्टा है साइन। देखिए पूरक में उल्टा, एक बताए थे आप लोग के साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन, यहां से बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉसेक थीटा गुना में है जी, तो भागा भेजेंगे तो वन बटा कॉसेक थीटा होगा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है ना, लेकिन पूरक में, पूरक कोणों में उल्टा किसका होता है, तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉस, साइन का उल्टा क्या हो जाता है कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक। समझ रहे बात को। तो याद हो जाएगा छह फॉर्मूला, आशा करते हैं कि आप लोग याद कर लीजिएगा। सीधा सीधी है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। समझ रहे हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ टाइप पर ले चलते हैं, टाइप बहुत ईजी है, इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग क्या लाए हैं, टाइप वन। टाइप वन में देखिए क्या है, साइन थीटा के थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखें। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, थीटा के पूरक कोण के साथ साथ त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में भी लिखना। जैसे हम बताएं थे कि थीटा का पूरक कोण कहेगा, तो थीटा का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा बाबू,
क्योंकि हम बताए हैं कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसी को क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। तो थीटा का पूरा कोण अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे, 90 माइनस थीटा कहेंगे, कहेंगे ना। जिस प्रकार कहेगा कि 35 डिग्री का पूरा कोण, तो 35 डिग्री का पूरा कोण कितना कहेंगे, तो 90 माइनस 35। क्यों लिखेंगे 90 माइनस 35, क्योंकि दो कोणों का योग 90 होगा तब पूरा, तो एक 35 है तो दूसरा का कितना होगा, 90 माइनस 35 होगा। तो 35 डिग्री का पूरा कोण, जिस प्रकार कहेगा थीटा का पूरा कोण, तो थीटा का पूरा कोण एक थीटा है तो दूसरा का कितना होगा, 90 माइनस थीटा। वैसा ही 35 का पूरा कोण कहेगा, किसका, 35 का, तो 35 का पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस 35, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 डिग्री। उसी प्रकार कहता है 45 डिग्री का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ रहा है, सिर्फ कह रहा है थीटा का पूरा कोण, लेकिन यहाँ थीटा का पूरा कोण के साथ साथ कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, इस पर बाद में आते हैं, पहले इसको समझिए। कहेगा थीटा का पूरा कोण बताइए, तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो एक थीटा है तो दूसरा का 90 माइनस थीटा होगा। अगर कहता 35 का पूरा कोण, तो एक 35 है तो दूसरा का कितना होगा, 90 माइनस 35, तब ना पूरक होगा। देखिए तो 35 मिल के 90 होता है, तो दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। अब देखिए 45 का पूरक कोण, तो 45 का पूरा कोण कितना होगा, 90 माइनस 45 बराबर 45। उसी प्रकार का था 60 डिग्री का पूरा कोण बताइए, तो 60 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा बाबू, तो 90 माइनस 60 होगा, और घटाएंगे तो कितना होगा, 30। अब देखिए तो 60 और 30 मिलके 90 हो रहा, इसका मतलब ये 60 का क्या है, पूरक है। किसी भी कोण का पूरक कब कहेंगे, जब दोनों का योग 90 होगा। तो हमको पूछ रहा था 60 का पूरक, तो 60 का पूरक कितना आया, 30 आया, और देखिए तो दोनों के जोड़ी 90 आना चाहिए, तब ना पूरक कहेंगे, तो 60 और 30 90 हो रहा, इसका मतलब 60 का पूरक 30 है। 45 का पूरक, तो 45 का पूरक देखिए कितना है, 45, और 45 जोड़ी तो कितना होता, 90, इसका मतलब है कि 45 का पूरक है। देखिए 35 का पूरक पूछ रहा, तो 35 का पूरक निकालें तो कितना है, 55, और दोनों को जोड़िए 55 और 35 कितना होता है, 90 होता है, पढ़ा कि नहीं, तो इसका मतलब है कि 35 का पूरक कितना है, 55। अब पूरक कोण निकालने में कोई दिक्कत है, नहीं है, तो देखिए अब इसको देखिए, इसमें क्या करा है, साइन थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखिए तो साइन थीटा के पूरक, तो देखिए हम इसको बनाते हैं, देखिए बाबू सॉल्यूशन एक लाइन में सिर्फ फॉर्मूला वाला लिखना है, देखिए साइन थीटा बराबर हमको लिखना है ना, और त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होता है कि नहीं, तो साइन को त्रिकोणमितीय अनुपात में ही लिखना है और थीटा के पूरक में ही लिखना है। तो थीटा का पूरक तो हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस क्या होता है बहु, थीटा, थीटा की तो पूरक हो गया। अब देखिए तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं बहु, कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से क्या जोड़ देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए तो थीटा के पूरक आ रहा है कि नहीं, 90 माइनस थीटा आ भी रहा, त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस आ रहा है कि नहीं, आ भी रहा, इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, समझ रहे हैं बात को। अब इसी थीटा नहीं लिख करके अगला क्वेश्चन क्या रहता है, ऐसे लिख देता साइन 47 के, 47 के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, तो साइन 47 बराबर क्या लिखते हैं, देखिए तो साइन थीटा, यहाँ देखिए थीटा था तो कॉस 90 माइनस थीटा, उसी प्रकार थीटा की जगह कितना है, 47 है तो साइन 47, तो साइन यहाँ देखिए कॉस हो जाएगा होगा, और 47 का पूरक क्या होगा, 90 माइनस 47 होगा। पूरक में दिक्कत नहीं है, देखिए सिर्फ बताएं कि साइन का कॉस हो जाता है, देखिए साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है, यहाँ देखिए तो साइन था कॉस हो जाएगा, होगा कि नहीं। और पूरक तो याद है, ये है पूरक बताएं कि दो कोणों का योग 90 हो, तो एक 47 है तो दूसरा का कितना होगा, 90 माइनस 47 होगा, होगा। अब घटा दीजिए इसको तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 में से 47 घटाने आता है, देखिए तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बजेगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4, कॉस 43 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो टाइप वन में एकदम ऐसा ही सीधा सीधी रहेगा क्वेश्चन पाओ रहेगा, तो बना लीजिएगा, सिर्फ पूरक पर आधारित रहेगा, समझ रहे हैं। अब छोटू अब टाइप वन में ही एक क्वेश्चन और है, देखिए
टाइप वन में है, यहाँ देखिए पूछ रहा था साइन थीटा के, थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। यहाँ पर क्या है साइन 90 माइनस थीटा के, 90 माइनस थीटा के पूरा कोण बताइए, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्यूशन कीजिए, देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए तो जिस प्रकार हम लोग जान रहे थे कि थीटा का पूरा कितना होता है 90 माइनस थीटा होता है, क्यों? क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो जिस प्रकार कह रहा था थीटा के पूरक, तो थीटा के पूरक क्या कह होता था 90 माइनस थीटा, उसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होता। देखिए तो साइन का बताए थे पूरक में क्या हो जाता है कॉस हो जाता है। तो देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा हम लोग जानिए रहे जा रहे हैं, तो यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा, या आप इसको क्या कर सकते हैं जिस प्रकार बताए थे कि साइन का कॉस होता है, तो साइन का कॉस की थीटा का पूरक क्या बताए थे कि 90 में से थीटा घटा देना, जैसे बताए थे 47 था, तो 90 माइनस 47, उसी प्रकार देखिए तो यहाँ 90 माइनस थीटा है और इसका पूरक है, तो इसको भी 90 में से घटा दीजिए। तो दूसरा बताते हैं, एक डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, दूसरा क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन का पूरा क्या हो जाता था कॉस, कॉस हो जाएगा। अब देखिए 90 माइनस थीटा का पूरा क्या होगा, 90 में से घटाएंगे, जैसे थीटा था तो थीटा को क्या कहते हैं 90 में से घटाते थे, 35 था तो 90 में से 35 घटाएंगे, 47 था 47 था तो 90 माइनस 47 करते थे, यहाँ 47 या थीटा ना कह के 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा, तो क्या करेंगे इसको 90 में से घटाएंगे 90 माइनस थीटा, समझ रहे हैं बात को, क्यों किया। देखिए थीटा का पूरक तो 90 माइनस थीटा बताए थे, पूरक जब भी कहेगा तो 90 में से घटा देना, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए तभी ना 90 में से घटाएंगे, उसी प्रकार यहाँ थीटा था तो 90 माइनस थीटा, 47 था तो 90 माइनस 47, 35 था तो 90 माइनस 35 था, उसी प्रकार 90 माइनस थीटा इसको भी 90 में से 90 माइनस थीटा करेंगे। अब देखो इसको सोल्यूशन कीजिए, कॉस पे कॉस हो जाएगा, 90 यहाँ पर 90 रह देंगे, यहाँ देखिए माइनस गुना होगा दोनों में तो माइनस 90, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा होगा। अब देखिए तो 90 से 90 कट जाएगा तो बच गया क्या कॉस थीटा। तो देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, देखिए फॉर्मूला भी है, यहाँ भी बताया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, समझ रहे हैं बात को। तो एकदम बहुत आसानी है टाइप वन में, देखिए टाइप वन में क्या करना, सिर्फ पूरा याद रखना, तो कैसे याद रखना कि थीटा का पूरा कहेगा तो 90 माइनस थीटा, 35 का पूरा 90 माइनस 35, 55 कहेगा तो 90 माइनस 55, 90 माइनस थीटा कहेगा तो क्या करेंगे 90 माइनस 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ थीटा ऐसे रहता, एक क्वेश्चन और लेते हैं, कॉस 90 माइनस 40 डिग्री है, कहेगा इसका पूरक बताइए, कॉस 90 माइनस 40 का पूरक बताइए, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए इसको लिखेंगे, कॉस का पूरक क्या होता है बाबू, साइन होता है, पता है, पता है कि नहीं, इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 40, तो देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 40 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आप देखिए दूसरा तरीका बताए क्या, इसे पूरक से, देखिए कॉस का पूरक साइन है और 90 माइनस 40 है, तो 90 माइनस 40 को क्या करेंगे पूरक 90 माइनस 90 माइनस 40, तो इसको घटाइए 90 से, 90 माइनस 90 माइनस 40 होगा। अब देखिए इसको घटाइए तो साइन, यहां देखिए 90 होगा, माइनस गुना कर दीजिए माइनस 90, माइनस माइनस प्लस 40, अब देखिए 90 से 90 खत्म, तो साइन यहां से देखिए तो क्या बच गया 40। तो देखिए तो एक डायरेक्ट आप फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, फॉर्मूला पर कि साइन 90 माइनस थीटा रहेगा, थीटा के यहाँ कितना है 40, तो साइन थीटा हो जाएगा, पता है ना, कॉस 90 माइनस सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। दूसरा क्या याद रखना है पूरक से, कि थीटा कहेगा तो 90 माइनस थीटा, 47 कहेगा तो 90 माइनस 47, 40 शिफ्ट कहेगा तो 90 माइनस 40, लेकिन कह रहा है 90 माइनस 40 है, तो 90 माइनस 90 माइनस 40 करेंगे, जिसका पूरक कह देगा उसको क्या करना है 90 में से घटा देना। देखिए तो 90 में से घटा दिए हैं, हल्का है कि नहीं, सिर्फ याद रखना है कि पूरा कोण कहते किसको है, तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो,
समझ रहे हैं बात को? अब जिसका पूरा कहेगा उसी में से घट 90 में से घटा देंगे उसको। थीटा कह रहा था 90 माइनस थीटा, समझ रहे हैं? आप देखिए टाइप वन का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग बनाइएगा, मैं अगली वीडियो में टाइप टू लेकर आऊंगा, टाइप थ्री और टाइप फोर, उसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8.3 समाप्त हो जाएगा। ओके थैंक्स, बनाइएगा आप लोग।